हेलो माय लवली हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आँखों की कोई भी प्रॉब्लम हो, आँखों में जैसे कि आँखों में खुजली होती है, बार बार आँखों में लालिमा आ जाती है और बार बार लगता है जैसे कि धुंधला दिख रहा है। होता है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट कई बार लगता है कि आँखों से धुंधला दिख रहा है। तो हम लोग बार बार आँखों को इस तरह मसाज करते रहते हैं और कई बार क्या होता है कि बहुत कम टाइम में हमारी पास की नज़र कमज़ोर होने लग जाती है। पढ़ने में, देखने में, छोटे अक्षर को देखने में, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इसके लिए कैसे हीलिंग करनी है, आँखों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो नेक से ऊपर का पार्ट है, जो पॉइंट्स हैं, आपको इस पर हीलिंग करनी है। तो हीलिंग करने से पहले सबसे पहले हमको अपना सील बनाना है। सील बनाने के बाद में अपने इतने हिस्से का, वैसे तो अगर टाइम है तो फुल बॉडी क्लिंजिंग करें, टाइम नहीं है तो सिर्फ ऊपर का जो 6 पॉइंट्स है आप उसकी क्लिंजिंग करिए। सॉल्ट वाटर रख करके आप पहले क्लिंजिंग करिए। क्लिंजिंग करने के बाद में आप अपने दोनों आँखों को ज़्यादा क्लिंज करेंगे। क्लिंज करके महसूस करेंगे कि इसमें जो भी नेगेटिव एनर्जी थी सब सॉल्ट वाटर में जा रही है। और क्लिंज करने के बाद आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना है। जैसे कि हम कुछ भी डस्ट साफ करते हैं तो हम क्या फील करते हैं और दिखता भी है कि हमारे हाथों में डस्ट लग गया है या ब्लैक एनर्जी है जो हम अभी क्लिंज कर रहे हैं। तो क्लिंज इस तरह आप ब्लास्ट में आपको कर देना है, आपने सॉल्ट वाटर में डाल दिया और फिर आप क्लिंज कर दीजिए। उसके बाद में आपको हीलिंग करनी है तो फुल बॉडी की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट लेवल में 24 पॉइंट्स की हीलिंग कंटिन्यू कर चुके हैं 21 डेज की, तो अब आपको बार बार किसी भी प्रॉब्लम के लिए फुल बॉडी हीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप रेकी एनर्जी को कॉल करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं हम। मैं अपना आभार मानती हूँ, मैं रेकी शक्ति का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानती हूँ। और अगर आप दूसरे की हीलिंग करते हैं तो आप अपने क्लाइंट का भी नाम ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सेल्फ की प्रॉब्लम के लिए बता रही हूँ। अगर खुद की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमें अपने पार्टनर को नहीं लेना है। और उसमें इतना आह्वान करने के बाद में दोनों हाथों को कप शेप में बना करके, बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि हम कप शेप कैसे बनाएं, तो ये ध्यान रखना। जैसे हम छोटे से बच्चों को टच करते हैं तो खूब हल्के से टच करते हैं, तो उसी तरह ऐसा नहीं कि खूब प्रेशर दे के रख देने हैं, आराम से इस तरह अपने हाथों को रखेंगे, एकदम रिलैक्स अपने दोनों आँखों पे रखेंगे। महसूस करेंगे कि आपके दोनों हाथों से सफ़ेद प्रकाश निकल करके आपके दोनों आँखों में जा रहा है। और आपको सेह की चोकुरई दाइकोम्यू सिंबल आपको ड्रॉ करना है। अगर जोनार सिंबल है तो जोनार सिंबल भी आपको ड्रॉ कर देना है। ये दर्द में बहुत आराम देता है जोनार सिंबल। और मास्टर सिंबल भी आपको ज़रूर ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद आपको फिर से महसूस करना है कि आपके जो भी आँखों में प्रॉब्लम थी वो अब दूर हो गई है। आपको आँखों में बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। आपके दोनों हाथों से गर्माहट, एनर्जी की जो गर्माहट होती है, आप उसको अच्छे से फील कर पा रहे हैं। आपकी दोनों आँखें महसूस कर पा रही हैं कि आपके दोनों हाथों से सफ़ेद प्रकाश निकल करके आँखों में जा रहा है और अच्छा फील हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, गुड फीलिंग हो रहा है, महसूस करना है। और आपको अफर्मेशन देना है सिंबल्स ड्रॉ करने के बाद में, विजुलाइज करने के बाद में आपको अफर्मेशंस देना है कि मेरी दोनों आँखें स्वस्थ हैं, मैं अपनी दोनों आँखों से आराम से पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, छोटे अक्षरों की लिखी हुई लिखावटें पढ़ सकती हूँ, मेरी दोनों आँखें स्वस्थ हो गई हैं, मेरी हीलिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मेरी दोनों आँखें स्वस्थ हैं। आपको अपनी दोनों आँखों पर कम से कम 10 मिनट हीलिंग देना है, क्योंकि आपकी आँखों में प्रॉब्लम है तो इसलिए आपको यहाँ पर टाइम भी बढ़ाना है, 10 मिनट आपको हीलिंग देना है। वैसे तो हम 3 मिनट का टाइम देते हैं एक चक्रा पर, बॉडी पार्ट्स पर जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पर आपको टाइम बढ़ा देना है। तो आपको अपनी आँखों पे 10 मिनट कंटिन्यू हीलिंग देना है। उसके बाद में आपको कनपट्टी पर आप 5 मिनट दीजिए, क्योंकि आँखों से रिलेटेड जो ऊपर का 6 पॉइंट्स है ना, एक दूसरे से टच होती हैं और वो अपना काम बहुत तेज़ी से करती हैं। तो आपने फील किया होगा कि अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो दूसरी किडनी में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक आँख में प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम बाद दूसरी आँखों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। एक कान में प्रॉब्लम है, दूसरे कान में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको आँखों के बाद में कनपट्टी पर हीलिंग करना है 5 मिनट, ये ध्यान रखना है। 10 मिनट आपने आँखों पे दिया, 5 मिनट आपने कनपट्टी पे दिया,
फिर 5 मिनट आप अपने कान पे दीजिए, फिर एक हाथ जहाँ पे बिंदिया लगाते हैं यहाँ पे आपको रखना है, और एक हाथ आपको बैक साइड में रखना है जहाँ पे हम जोड़ा बनाते हैं। फिर बाद में आपको इस तरह अपने सिर के दोनों साइड में राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों हैंड्स को रख करके हीलिंग देना है। फिर थ्रॉट चक्र पर भी आप दे दीजिए हीलिंग 5-5 मिनट। फिर से लास्ट में जिस जिस चक्र पर आपको हाथ रखना है मैंने अभी बताया, वहाँ वहाँ पर आपको सेहे की चौकुरी, दैकुम्यू और ज्योनार सिंबल, ये चारों सिंबल्स आपको ड्रॉ कर देना है। फिर बाद में लास्ट में एक बार और, फिर अगर टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, 5 मिनट या 3 मिनट फिर से एक बार और आँखों पर आप रिपीट कर दीजिए और सिंबल्स ड्रॉ कर दीजिए। फिर थैंक यू रेकी एनर्जी बोल करके रेकी एनर्जी को लॉक करना है 3 बार, और इस तरह आप मॉर्निंग में और नाइट में कम से कम दिन में अगर 2 बार भी आप इतना टाइम देते हैं, इतनी प्रक्रिया करने में आपको 25 से 30 मिनट लगेगा, और आप देखेंगे कि 15 डेज में आपको काफ़ी आपको जो ये प्रॉब्लम्स आ रहे थे ये रिमूव हो जाएगी और आपको हल्कापन लगेगा। वैसे तो जो फर्स्ट हीलिंग करेंगे आपको तभी से आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि जो ये सिंबल्स की पावर है बहुत बहुत पावरफुल होती है, और अगर आपके पास सिंबल्स नहीं है तो आप डायरेक्ट रेकी एनर्जी को कॉल करके भी कर सकते हैं। थैंक यू।